नमस्कार, मैं निशिवाडे और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ISBT पर। ये एक ISBT एक ऐसी जगह है जहाँ पर बस स्टैंड कहा जाता है यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए लाई हूँ क्योंकि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते केसेस को मद्देनजर रख प्रशासन और भी ज्यादा सख्त हो चुका है। कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको मद्देनजर रख प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस आज जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिनको दो वैक्सीन के डोज लग चुके हैं तो उनको भी अब कोविड जाँच करवानी होगी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा जब सख्ताई के आदेश जारी कर दिए गए तो यहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी रफ्तार से अब जो भी बस से यहाँ से उतरते हैं यात्री, जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के अन्य अन्य राज्यों से जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका सबका कोविड जांच की जा रही है, कोविड टेस्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको रिपोर्ट्स भी उसी टाइम पर दे दी जा रही है। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से कि वो विजुअल्स को दिखाए एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना की जांच लगातार की जा रही है। सभी डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, RT-PCR की रिपोर्ट जिनके पास है उनको शायद जाने दिया जा रहा है। बाकी जो भी लगभग बसेस से उतर रहे हैं यात्री, जो भी अन्य राज्य से आ रहे हैं, जो भी यहाँ से उतर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर लगातार जाँच की जा रही है, कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। जिनको दो बार वैक्सीन के डोज लग चुके हैं उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा आदेश जो आज जारी किए गए हैं तो तब भी उनकी कोरोना की जांच यहाँ पर की जा रही है। अब हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर कोविड प्रक्रिया अभी जारी है। तो अब यहाँ पर जो मौजूद है बस स्टैंड पर जो लोग लगभग रोज का जो देखते रहते हैं दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे और भी लोगों से जान करेंगे यहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं चाहूंगी कि सर कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना को लेकर अभी सरकार द्वारा मुहिम चल, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस, उसके बाद यात्री यहाँ पर उतर रहे हैं, तो किस तरीके की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, किस तरीके के कोविड केसेस को जांच की जा रही है? कोविड के जो पेशेंट निकल रहे हैं, मरीज निकल रहे हैं, काफी ज्यादा निकल रहे हैं। आज भी यहाँ पेशेंट करीब 36-37 निकल चुके हैं और यहाँ जो अभी यात्री आ रहे हैं वो यात्री का सही करके यहाँ टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। और सरकार जो कर रही है बढ़िया कर रही है, और जो भी आगे होगा देखो, आजकल इतनी पेशेंट, इतनी महामारी तीसरी लहर की आई है और सरकार ने जो निर्णय लिया जल्दी अच्छा लिया है। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पर चेकिंग के दौरान कितने केसेस आए? आज यहाँ केसेस है 37 केस हैं। हाँ, उन 37 केसेस का क्या किया गया? उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके दोनों ऑप्शन थे, आप दोनों हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे या होम क्वारंटाइन होंगे, तो उन्होंने अपने अपने घर से पर्सनल वाहन मंगाई और वो अपने घर में जाकर होम क्वारंटाइन हुए। और यही मैं आपसे सवाल चाहूंगी कि इतने बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर पर आपके चेहरे पर मास्क नहीं है और यहाँ पर ही कोविड टेस्टिंग की जा रही है, हमें जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। हम तो खुद क्वारंटाइन नहीं रहते, हमेशा 24 घंटा में बीड़ी सिगरेट वाले आदमी, हम ऊपर वाले डरते, इन चीजों में डरते। ये बढ़ते संक्रमण के चलते अब और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि आधे लोगों का मानना तो ये है कि हम रब के बंदे हैं तो फिर हमारे को मास्क की क्या जरूरत। तो और लोगों से जानते हैं कि किस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है कोरोना को लेकर, जो यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पर उससे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जितनी भी सारी बसेज हैं वो यहाँ के रास्ते से आती हैं और उधर के रास्ते से जाती हैं, और यहाँ से जब उतरती हैं तो यहाँ के सारे यात्रियों को एक एक कर यहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग के लिए लाया जा रहा है, RT-PCR की जांच के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप, मतलब अभी यात्री हैं आप? नहीं, यात्री नहीं है, मैं अपनी मम्मी को लेने आया हुआ। अच्छा, तो आप लेने आए थे यहाँ पर। आपने देखा होगा कि ISBT पर लगातार कोरोना की टेस्टिंग चल रही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? टेस्टिंग चल रही तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए और बस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोविड को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग जा रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ है और लगातार जो बसेज हैं वो यहाँ पर उतर रही हैं, और भी कई सारी चीज़ें हम बातचीत करते हैं लोगों से। कि सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी
कि कोरोना को लेकर यहाँ पर जो टेस्टिंग जा रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। तो और आपसे जानेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो कोरोना टेस्टिंग लग रही है, बड़े बड़े जो आंकड़े हैं लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं तो असल में मैडम, मैं ना जिस हिसाब से ये मौसम चल रहा, मौसम के एतबार से है ना ये बीमारी जो है आम हो चुकी है अभी ना, लगभग जो है आज यहाँ जो है टेस्टिंग जो चल रही है लगभग बता रहे हैं कि 35-36 केस इस टाइम आ चुके हैं और पॉजिटिव बता रहे हैं उनको, तो ये तो चलता ही चला रहा है, बीमारी बजाय घटने की ओर बढ़ रही है। तो इसमें क्या कहते हैं आपको, क्या लगता है कि अब जो तीसरी लहर आ रही है उसके लिए सरकार कितने किस हद तक तैयार है? कोई नहीं, लापरवाही है सरकार की सरासर लापरवाही है, क्योंकि केस बढ़ रहा है ये लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ चेकिंग होनी चाहिए थी वहाँ चेकिंग हो नहीं रही है, बॉर्डर सारे खोल रखे हैं। अब यहाँ बस अड्डे में जो 5 किलोमीटर से बैठ के आ रहा है वो बस अड्डे के अंदर उसकी टेस्टिंग हो रही है, और जो 100 किलोमीटर का सफर करके आ रहा है, 110 किलोमीटर का या 500 किलोमीटर का, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है। तो टेस्टिंग हो तो सबकी हो, एक दूर से कंपल्सरी हो। अब उधर ये जो है ना क्या नाम आई स्पीड जो मतलब दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर से जो गाड़ी आने वाली है उनकी कोई टेस्टिंग नहीं है, और यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश की जो लोकल बसें हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। उस चीज़ पे जो बाहर बसें खाली हो रही हैं उनको सारी बसें अंदर आ में या उनकी टेस्टिंग हो? ये आप मेरे आसपास जो खड़े हैं आधे लोगों ने तो मास्क भी नहीं, मैंने आपका मास्क कहा है? मेरा मास्क गाड़ी में रखा हुआ। वो आप जो बढ़ रहे संक्रमण को देख रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर आपका मास्क है? मैं तो इतनी बात जानता हूँ, अगर कोरोना है, मैं मानता हूँ कोरोना है, जो यहाँ पे पॉजिटिव निकला जा रहा है उसको अपने घर क्यों भेजा जा रहा है, तो मैं तो नहीं मानता हूँ कोरोना है। अगर मानने की बात है मेरे को कोरोना है तो मेरे को घर ना भेजा जाए, क्योंकि अगर मैं अपने घर जाऊंगा, मेरे घर के पीछे मेरे पीछे मेरा 7 परिवार है, अगर मैं घर जाऊंगा तो 7 भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। पर ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक घर होम क्वारंटीन होने का और एक दून हॉस्पिटल का। मैं मानता हूँ आप ये मेरे को 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक दून हॉस्पिटल का, एक मेरे घर का। अब ये देखने थोड़ा ना जा रहे हैं मेरे पीछे पीछे मैं घर में हूँ या बाहर हूँ। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार फिर इस चीज में ढिलाई है या नहीं? नहीं मैम, जो बाहर के जो दून हॉस्पिटल जाना चाहते हैं उनको 2 एम्बुलेंस बुलवाई हमने, उनको दून हॉस्पिटल भिजवाया, जो होम क्वारंटीन हुए उनके घर से फैमिली वाले आए उनको लेके गए और उन्हें उनके साथ ही भेजा हमने, जो फैमिली उनके आए उनके साथ ही भेजा उनको। तो कहीं ना कहीं ये ढिलाई नहीं कही जा सकती, क्योंकि घर जाकर किस तरीके से उनको निगरानी में रखा जा रहा है, वो उनका परिवार जो आ रहा है उसको उनको बताया जा रहा है ये पेशेंट हो रहे है और आप स्किन की देखभाल आप करेंगे या दून हॉस्पिटल भेजे, वो कह के लिख जाते हैं कि हम अपने घर में इनको देखभाल करेंगे और जो भी मेडिसिन है RT-PCR है वो घर पे करवाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उनको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक दून हॉस्पिटल का और एक दूसरा ऑप्शन है कि होम क्वारंटीन का, और परिवार को सूचित किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से ढिलाई कही जाएगी, क्योंकि घर होम आइसोलेशन के बाद किस तरीके से उनकी देखभाल की जा रही है, किस तरीके से वो कितने लोगों से मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक असमंजस से भरी बात है कि उसके बाद क्या प्रक्रिया है, उसके बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी उठती है। अब हम और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरीके का माहौल बना है, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या कहेंगे आप? सोशल डिस्टेंसिंग का है, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बनाए, 2 गज की दूरी बनाए, मोदी जी ने नहीं सुना? कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग, सब दिल्ली के कमाने दिल्ली के खाने वाले घर से अपने कमाने के उसमें आते हैं, अपने परिवार का चलाने का घर चलाने का वो करते हैं, ऑटो चला के अपना परिवार का पेट भरण पोषण कर रहे हैं। अब इनका इनको दिल्ली का कमाने दिल्ली का खाना है, इनको तो भी रोजगार चाहिए, इनको भी रोजगार चाहिए, अब बच्चे कहाँ से पलेंगे इनके? रोजगार तो चाहिए, पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आप यहाँ पर इस चीज को इनको अभी तो आप मीडिया आ रखी है, मीडिया के चक्कर में ये खड़े हुए हैं, बाकी अपने अपने काम पे अपनी अपनी गाड़ी पर रहते हैं। तो जैसे कि ना जो भी सवारी निकलती है अपने 2 पैसे कमाने के लिए घर से निकलते है, अब तो आप लोग आ रखे तो आप लोगों के चक्कर में खड़े हुए हैं सब।
ये टेस्ट हो भी रहा है तो टेस्ट उस चीज पे होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ से जाना है दिल्ली के लिए तो जाते समय मेरा टेस्ट होना चाहिए ना, आते समय मेरा टेस्ट क्यों हो रहा है? मैं जरूरी है कि मैं बस अड्डे पे उतरूंगा? जरूरी तो नहीं है बस अड्डे पे उतरूंगा, मैं बस अड्डे से बाहर भी उतर सकता हूँ। तो मैं तो दिल्ली से भी कोरोना लेकर आ रहा हूँ, देहरादून से भी कोरोना लेके जा रहा हूँ। टेस्ट उस चीज पे होना चाहिए, जो मैं टिकट खरीद रहा हूँ, जब मैं टिकट ले रहा हूँ तो मेरा टेस्ट वहां होना चाहिए। अगर मुझे कोरोना है तो वापसी मुझे टिकट ना दिया जाए, मेरे घर पे भेजा जाए। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि टेस्ट इस तरीके से होना चाहिए कि टिकट खरीदने से पहले टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि संक्रमण जो आदमी है वो दूसरे राज्यों में जाकर इसको फैलाए ना। इसी के साथ और लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है बढ़ते संक्रमण को लेकर। आप 90% वहाँ गाड़ी खाली होती है, 10% यहाँ आती है यूपी की, वहाँ कौन चेक कर रहा है? दिल्ली की सारी सवारी वहाँ कौन चेक कर रहा है? सर आप तो आप आ गए हैं चेक करने, वहाँ कौन चेक कर रहा है? उधर कोरोना नहीं आता है सर? बताओ, यहाँ 10% गाड़ी आती है यूपी की, वो बाहर खाली करती है, वहाँ कोरोना नहीं है? तो जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई है कि आईएसबीटी तक पहुंचते पहुंचते कई आधी जो गाड़ियां होती हैं जो बाहरी राज्यों से आ रही हैं वो आधी तो खाली हो जाती हैं, वहीं कई कई जो चौक हैं वो वहीं पर उतर जाते हैं वहां के जो यात्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ियां पहुंचती हैं वो 10% ही गाड़ियां यहां पर आती हैं जिनका यहां से यात्री उतरकर कोविड टेस्ट हो रहा है, बाकी जो 90% लोग हैं वो बीच रास्ते में बीच चौराहों पर उतर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की ढिलाई है कि अगर कैंप्स लगाए जा रहे हैं तो हर चौक चौराहे पर लगाने चाहिए, जहां से यात्री उतर रहे हैं उनका भी जायजा लेना चाहिए, या फिर साथ ही साथ लोगों को पहले से ही टिकट लेने से पहले इस चीज के बारे में उनका टेस्ट कराना चाहिए कि जिससे कि उन्हें तभी उस टाइम ही टिकट मिले, जिससे कि बाहरी राज्यों तक पहुंचने के बाद उनका संक्रमण का जो केस है वो ना पता चले। इसी के साथ आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।